वक्त घंटाघर के पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन जो है और हाईएस्ट क्वालिटी का जो स्क्रीन है ये लगाया गया है। आप पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा स्क्रीन है और इसके जो मनाजर है कैमरामैन आपको दिखाएगा, वो एक अलग किस्म के मनाजर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो सयाह लोग है वो भी बहुत खुश है क्योंकि घंटाघर में स्मार्ट सिटी के अंडर जो प्रोजेक्ट का काम हुआ है उसको दो दिन में फाइनलाइज किया जाएगा और अगले आने वाले दो दिनों में इसको आवाम के नाम किया जाएगा। एकदम शहर श्रीनगर के घंटाघर इलाके में मौजूद और अथर आमिर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने लगातार कोशिश की दिन रात, ये अभी भी रात का जो टाइम है वो 9:30 से ऊपर हो चुका है, लेकिन खुद भी ये लगातार यहाँ पे जो प्रोग्रेस वर्क हो रहा है उस पर लगातार निगाहें जमाए हुए। पहले सर आपका खैर मकदम कर रहे हैं, तो सर हम देख रहे हैं पीछे कैमरामैन दिखाएगा आपकी लगातार कोशिशें हुई और आपकी वजह से ये जो काम है बहुत जल्द हो पाया। अभी जो स्क्रीन यहाँ पे लाइव किया गया इसके बारे में हमें डिटेल्स दीजिए। ये जो स्क्रीन है ये हमने इट्स अ पीपीपी प्रोजेक्ट जो हम ओरेंगो सॉल्यूशन अमृतसर के साथ हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया है जी। वी हैव अ वेरी सिमिलर स्क्रीन नियर जेके बैंक, दिस वन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्रीन्स इन जेएनके। लगभग इसका जो डिस्प्ले एरिया है इट्स अराउंड 30 feet by around 13 feet का जो इसका डिस्प्ले एरिया है और जो इसमें क्वालिटी ऑफ एलईडी लगा हुआ दिस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड आई वुड से लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ the LED display that has been installed. In fact, that is why the whole 3D impression of the images very good. So the idea is this is part of the whole Lal Chowk ya the jo hum Srinagar Square kehte hain, this part of the Srinagar Square and we wanted to make this place vibrant and this is one of them. Aur mazid baat karenge kya kya renovation ghanta ghar mein all over hui hai. If you can start from here only, this is our एम्पीथिएटर एरिया। सो इसमें जो है सर्कुलर सीटिंग बनाई गई है, देयर इज अ ग्रीन स्पेस इन द मिडल। लोगों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन था कि उस साइड से ट्रैफिक नहीं चलेगा, वो लोगों का अगर वो बिल्कुल इसमें अगर आप देखोगे पूरे पोर्शन में जो लाल चौक का एरिया भी है वो जो पूरा रेजिडेंसी रोड है इसको एक कंटिन्यूस रोड बनाया गया है। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि लाल चौक आते ही एकदम रोड बहुत ही खुल जाता है या कहीं बंद हो जाता है, यूनिफॉर्म रोड थ्रू आउट, क्योंकि जो लाल चौक का पोर्शन है इस जगह पे वॉकिंग ज्यादा होती है, पेडेस्ट्रियन फ्लो ज्यादा होता है, इसीलिए हमने इसमें कॉबल स्टोन का रोड बनाया हुआ है। तो फाइनल लुक है का कॉबल का जो फायदा होता है ये ट्रैफिक कामिंग के लिए स्पीड कम करता है, प्लस इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, काफी ज्यादा होता है और एक जो है लोगों को क्रॉस करने के लिए भी बड़ा आसानी हो जाती है, ट्रैफिक काम भी करता है, ट्रैफिक भी प्रॉपरली इससे जो है स्ट्रीमलाइन हो जाता है। हमने कुछ टूरिस्ट से बात की, उनका जो रेस्पॉन्स था वेरी पॉजिटिव था, बहुत खुश थे वो। सारा क्रेडिट एक तो आपको जाता है और यहाँ के जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसको जाता है, लेकिन कब तक ये पूरा फाइनल टच में तैयार होगा? बस कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल टच ही दें, इट इज मे बी एक आधे दिन में, दैट इज नॉट मोर देन मे बी अ डे या टू, दैट्स ऑल। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एसएमसी के जो अथर आमिर साहब मौजूद थे, तो आप देख सकते हैं कैमरामैन अब आप पीछे दिखा सकता है, ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्क्रीन है और इसकी जो क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है और आधे एक दो दिन में ये पूरा जो है ये आवाम के नाम कर दिया जाएगा। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।